हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस स्टडी फार्मेसी। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक जो कि हमारा था ऑटो रेडियोग्राफी, और एक और टॉपिक है हमारा बचा हुआ, उसको कवर करेंगे। सो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है। ऑटोग्राफी के प्रिंसिपल में हम लोग को जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो फाइंड करना है, उसकी रेडियो एक्टिविटी पता लगानी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक टिश्यू में एम्बेडेड करेंगे। उसके बाद उस टिश्यू को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग उस टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पैराफिन की लेयर बिछाएंगे। उस लेयर में हम उस टिश्यू को एम्बेडेड करेंगे। डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी रेडियो एक्टिविटी हम लोग को पता लग जाएगी। कि सबसे पहले क्या है, इट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द टिश्यू। मीन्स क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, किसमें, टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको डालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एक सफिशियंट लैप ऑफ टाइम, एक सफिशियंट टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस टिश्यू को हम लोग ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या लिखा है, टिश्यू इज रिमूव्ड एंड एम्बेडेड इन पैराफिन कट। एक पतली सी पैराफिन की लेयर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम लोग उस टिश्यू को क्या करेंगे, डालेंगे। उस टिश्यू को डालने के बाद उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस थिन सेक्शन को, पैराफिन का जो थिन सेक्शन हम लोग ने बनाया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन को कट करेंगे, और हम लोग फोटोग्राफिक इमल्शन में हम लोग उसको डालेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, फोटोग्राफिक इमल्शन में उसको हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद फिर क्या होगा, जब वो फोटोग्राफिक इमल्शन में जब वो अपनी रेडियो एक्टिविटी एमिट करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने जो आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, उनको कलर्ड कर देगा या रिएक्शन शो करेगा, जिससे क्या होगा कि वो जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें क्या करें, देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी शो हुई है, ठीक है। तो इसका यही प्रिंसिपल होता है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी वर्किंग के पास। सबसे पहले क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं फोटोग्राफिक इमल्शन से। अब फोटोग्राफिक इमल्शन से हम लोग ने जब उसको कवर कर दिया, देख लिया, ये एक सैंपल है जो क्या है, जिसको हम लोग ने लिया है, ये बेस है, इसमें हम लोग ने क्या किया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लोगों ने डाल दिया। इसके बाद फिर क्या किया, हम लोग ने इसको क्या किया, कवर किया है फोटोग्राफिक इमल्शन से, कवर किया है फोटोग्राफिक इमल्शन से। अब ये बन गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, रेडियो एक्टिव पार्ट जो है वो एक्टिवेट होगा, और क्या करेगा, जो AGX है हमारा, ये हमारे AGX है, ठीक है। इसके हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है एम्बेडेड किया है। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा AGX, मतलब जो सिल्वर हैलाइड पार्ट है इसका, इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसमें क्या होगा कि रिडक्शन होगा हमारा, AG पार्ट जो है, मतलब जो सिल्वर आयन है उसका रिडक्शन होगा, और वो जो है सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होगा, ओके। सिल्वर हम लोग को प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि वो क्या करेगा, डार्क बैंड्स को लीव करेगा। ये क्या होगा रहा है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होगी वो एक्टिवेट होगी और क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी AG आयन को, जिससे क्या होगा कि जो हमारा AG है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर मेटल में, ठीक है, एमिटिंग द रेडिएशन। जब रेडिएशन यहाँ पे एमिट हो रही है, ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं कि ये रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ये रेडिएशन एमिट करेंगे तो ये क्या करेंगे, बैंड्स बना लेंगे अपनी तरफ, जितनी जहाँ तक की रेडिएशन जा रही होंगे वहाँ तक ये बैंड्स बना लेंगी, जिससे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ये बैंड्स बन गए। अब क्या करेंगे हम लोग को, ये सिल्वर हैलाइड्स जो हमारे मिले हैं, इनसॉल्युबल सिल्वर मेटल एटम्स, इनको क्या करेंगे, हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड को, पूरी स्लाइड को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर वॉश करेंगे, तो जितने भी इनसॉल्युबल होंगे एलिमेंट है उसके अराउंड में जितने भी हमारे बैंड्स बने होंगे वो हम लोग को ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी स्लाइड को फिर हम लोग अंदर जाके हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे माइक्रोस्कोप में। इसके बाद हमारा आता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला है हमारा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, दूसरा है हमारा फोटोग्राफिक इमल्शन, तीसरा है हमारा कैरनकॉन डिटेक्टर्स। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉम्पैक्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको हम लोग ईजी इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। जो आउटपुट सिग्नल जो होता है वो बहुत जल्दी हम लोग को मिल जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इसको हम लोग लो टेम्परेचर पे हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये किसके अंदर फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉर्म होते हैं।
ये दीज आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर. ओके जब ये पेयर फॉर्म होते हैं तो ये क्या होता है कि ये क्या करते हैं, स्मॉल बैंड्स गैप के अंदर में फॉर्म होते हैं, जिनका क्या होता है 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है इसके अंदर, इनका जो बैंड गैप होता है वो बहुत स्मॉल होता है. ठीक है, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. फोटोग्राफिक इमल्शन क्या कंसिस्ट करता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इमल्शन ऑफ AgEx मतलब सिल्वर हेलाइड के जो ग्रेन्स होते हैं, इमल्शन जो है वो प्रेजेंट होता है, इमल्शन ऑफ सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स. ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि सपोर्टेड विद अ ग्लास और सेल्युलोज एसिटेट फिल्म. ये जो सिल्वर हेलाइड इमल्शन है वो क्या करता है, वो इसको हम लोग किसके ऊपर कर रखते हैं, जो हमारा ग्लास के ऊपर या तो रखेंगे, मतलब या तो ग्लास के ऊपर रखेंगे या तो फिर या तो सेल्युलोज एसिटेट की फिल्म बनाएंगे. ये चीज़ जो है वो हमारी सेल्युलोज एसिटेट की बनी होगी. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर एसिटेट का जो इमल्शन है उसको हम लोग प्लेस करेंगे. अब ये जो हमारे फोटोग्राफिक इमल्शंस हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, हमारे जो फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की. ठीक है, जो फोटोग्राफिक इमल्शंस बेसिकली गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है. सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स का पूरा पॉइंट था. अब इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग इन जो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक लार्ज स्केल पर कैसे हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग करते हैं. हैंडलिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वन शुड नॉट टच द रेडियो एक्टिव एमिटर. कोई भी एक हमारा रेडियो एक्टिव एमिटर है वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा. जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो कोई भी बंदा है उसको डायरेक्टली जो है उस रेडिएशन, उस जो हमारा रेडियो एक्टिव एमिटर है उसको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर वो टच करेगा तो उसको बहुत सारी डिजीज कॉज होने के चांसेस है, बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो उसको कॉज होने के चांसेस है. इसलिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होते हैं इनको प्लेस, इनको हटाने के लिए, इनको स्टोरेज के लिए, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जब हम लोग किसकी हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हैंडलिंग करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, स्मोकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग नॉट डन. जो भी हमारी लेबोरेटरी है, फॉर सपोज ये हमारी लेबोरेटरी है, तो यहाँ पर हमें ना स्मोकिंग करनी है, ना हमें यहाँ ड्रिंकिंग करनी है, ना हमें यहाँ पर ईटिंग करनी है. अगर हम लोग कोई भी एक लेबोरेटरी में हम लोग ये चीज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो क्या कॉन्ट्रामिनेशन के चांसेस रहेंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो जो भी प्रोडक्ट है जो बन रहा है उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी. ठीक है, जिससे फिर वो चीज़, उसकी जो क्वालिटी है वो चीज़ इफेक्ट होगी. देन इसके बाद आता है हमारा सी पॉइंट. सी पॉइंट में क्या है कि सफिशियंट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स एंड शील्डिंग शुड बी यूज. मतलब कोई भी एक बंदा है, कोई भी एक वर्कर है, उसको एक प्रॉपर शील्डिंग पे ही जो है उस हमारा जो वर्किंग एरिया है वहाँ पर एंटर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जब हमारी कोई भी एक पैथोलॉजी होती है, ठीक है, तो उसमें जो है प्रॉपर शील्डिंग से ही जो है प्रॉपर शील्डिंग करी जाती है कोई भी एक बंदे की, ठीक है, तभी वो एंटर करता है, क्योंकि ताकि उसको जो रेडियो एक्टिव रेज है वो जो है ना इफेक्ट करें. देन इसके बाद आता है प्रॉपर लेबलिंग. प्रॉपर लेबलिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ये हमारा एक वो है, बॉक्स है जिसके अंदर हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टोर है, तो इसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए. पता चला कोई दूसरा हमारा विजिटर आ रहा है तो वो उसको नहीं पता होगा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सो इसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए. दूसरा क्या है, प्रॉपर मॉनिटरिंग. जहाँ पर भी ये स्टोरेज जहाँ पर भी हो रही है इसकी, जो भी हमारे लेबल्स हैं उनकी स्टोरेज, उनका एरिया, वो जो एरिया है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए. देन इसके बाद फिर आता है हमारे डिस्पोजल्स. अब ये चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इनका डिस्पोजिंग भी करनी पड़ेगी, तो इसको डिस्पोजिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग बहुत ज्यादा जमीन के नीचे गाड़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जिससे जो इनकी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो दूसरे को इफेक्ट ना करें. ये हमारे पूरे हो गए क्या चीज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव मेटल्स को हम लोग कैसे हैंडलिंग करते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.